हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा चार में विषय गणित का जो अभी हम चैप्टर का अभ्यास कर रहे थे, ईंटों से बनी इमारत, उसका अगला पार्ट देखेंगे, यानी पार्ट नंबर 3। इसके पहले हमने मेहराब के बारे में देखा था, बराबर। इसके अंदर हमने ईंटों से जाली कैसे बनाई जाती है, फिर देखा था कि पेड़ के आसपास किस तरीके से हमें उसकी बाड़ बनाई जाती है। तो आज हम आगे देखेंगे एक विशेष मेहराब के बारे में। देखिए, एक विशेष मेहराब, यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेहराब जो है, ज्यादातर हमें कहाँ पर, दरवाजे पर हमें देखने को मिलती है। अब इसकी ये जो आकृति है वो देखेंगे, यहाँ पर आपको ये मेहराब जो है वो नजर आएगी। बराबर, अब ये मेहराब बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया होगा, हम देखिए। बाकी सब जो ईंट देखते हैं वो तो कितनी बड़ी होती है, और ऐसा आकार देने के लिए किस तरीके से हम उसका कटिंग करेंगे, तो उसके लिए स्पेशल पतली ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। बराबर, पतली ईंटों को रख के फिर उसको अलग अलग आकार के अनुसार उसको कटिंग भी किया जाता है। बराबर, तो आप ये देखिए, और इस जो मेहराब है इसका नाम दिया गया है घूंघट वाली मेहराब। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये, और इसके आसपास जो देखिए दो खिड़कियां जो बनी हैं, उसके अंदर जो जाली लगी हुई है, तो आप देखेंगे उसके अंदर भी जो है ईंट का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी है पतली वाली ईंट, है ना सुंदर। चलिए, इस खिड़की की जाली सुंदर है ना, या पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी है? तो अभी हमने ज्यादातर तो हमारे घर के आसपास हम देखते हैं जो ईंट होती है वो नॉर्मल ईंट होती है, लेकिन पतली ईंट की आपने देखी है, तो वो कैसी होती है, चले देखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग की तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। बराबर, तो जमाल और कालू जो है उनके दादाजी भी मिस्त्री का काम करते थे, तो उन्होंने बताया था उनको कि वो लोग अपने समय के अंदर इस प्रकार की कुछ ईंटों का प्रयोग करते थे, और वो भी अलग अलग होती थी। चलिए, तो इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? तो आपको नीचे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। बराबर, कि इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे, यानी कि आपको ये जो बॉर्डर दिख रही है वो एकदम शार्प है। बराबर, वो आपको हाथ में लग सकती है, लेकिन उसके कुछ कुछ ईंटों के जो किनारे होते हैं वो घुमावदार बनाए जाते हैं। बराबर, ताकि जब हम ईंट दीवार बनाते हैं तब क्या होता है कि वो किसी के हाथ में लगे नहीं, और उसका जो शेप होता है वो भी अच्छा दिखे। तो आपको ये जो देखेंगे, ये वाली जो ईंट है उसकी जो किनारी है वो आपको घुमावदार दिख रही है ना बच्चों। चलिए, तो सबसे बड़ी ईंट की किनारी कितनी सतहें नजर आ रही है, आप यहाँ पर देखेंगे आपको इसमें से कौन सी ईंट जो सबसे बड़ी दिख रही है आकार में। तो आप ये देखेंगे जो पतली वाली ईंट है वो आपको जो है आकार में सबसे बड़ी दिख रही है। बराबर, और उसकी सतह कितनी, यानी उसकी कितनी बाजू आपको नजर आ रही है, तो आप इसमें देखेंगे आपको सिर्फ दो बाजू नजर आ रही है, एक ये यहाँ पर नीचे की तरफ, और ये जो सामने आपको जो आयत आकार में जो दिख रही है वो, ठीक है। चलिए, तो क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह होती है? क्या ऐसा होता है कि कोई ईंट हो जिसकी 6 से अधिक सतह होती है, हाँ या ना? देखिए, तो अगर जैसे कि आपकी जो आयत आकार की नॉर्मल ईंट है तो उसकी सिर्फ 6 सतह होती है, लेकिन अगर आप उसको कोई आकार देते हैं, बराबर, तो उसकी सतह जो है वो बढ़ जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको कुछ ईंट दिख रही है जिसकी आकार जो है वो फूल की तरह दिख रही है, ठीक है, तो इसकी सतह 6 से अधिक हो सकती है। आगे, पता करो ईंट का आकार, क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंटों को लेकर उसे मापो। अब आपको क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए उसकी लंबाई कितनी है, एक ईंट को लेकर उसे मापना है और आपको देखना है कि उसकी लंबाई कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक ईंट ड्रॉ करके पहले तो बता देती हूँ, जैसे कि ये एक ईंट हो गई हमारी, सॉरी एक मिनट,
समझ लो कि ये एक ईंट है बराबर, ये आपको यहाँ पर आपको तीन सतह नज़र आती है इस तरीके से बराबर। तो उसकी लंबाई यानी कि ये जो है ये उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई, ठीक है बराबर, और ये जो है उसकी चौड़ाई, ठीक है, और उसकी ऊंचाई, तो ये जो है उसकी क्या हो जाएगी, ये होगी उसकी ऊंचाई, ठीक है। चलिए तो अब उसकी लंबाई जैसे कि हम नापते हैं तो उसकी लंबाई लगभग आएगी हमारी यहाँ पर जैसे कि 30 सेंटीमीटर आती है बराबर, सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये जो है उसकी चौड़ाई जैसे कि लगभग हम लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सिर्फ अंदाज़ा है, ठीक है। अगर अगर हम नॉर्मल ईंट लेते हैं तो उसकी लगभग इस तरीके से लंबाई हम मापते हैं, चौड़ाई, ठीक है। अब उसकी ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई जैसे कि होगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है तो उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर अगर लंबी दीवार बनानी है तो जैसे कि ये उसकी लंबाई की दीवार है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर लंबाई की दीवार है, उसके अंदर उसको ईंट रखनी है, तो जैसे कि यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और उसकी जो ईंट है उसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो जो है उसकी जो ईंट है अगर वो इस हिस्से को सामने तरफ के रखेगी, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो हमारे तरफ से रखेगी, तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, हमने देखी है 20 सेमी, तो यहाँ पर हम करेंगे 20 20 20, कितने हो गए ये 60 बराबर, 20 80 और ये 20 हो गए 100, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको दीवार बनाने के लिए 5 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी लंबाई के लिए, ठीक है। अगर उसको 1 मीटर लंबाई दीवार बनानी है उसको क्या करनी पड़ेगी, 5 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी एक कतार में, ठीक है। ये सिर्फ हो गई हमारी एक कतार की, अगर उसको ऊंचाई रखनी है तो उसको तो और अधिक लेनी पड़ेगी, यहाँ पर हमने सिर्फ एक कतार की बात की है, ठीक है। चलिए, ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली, गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी बराबर। आपको ये देखिए, ये क्या है, भट्टी, भट्टी मतलब कि वहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है बराबर। अब ईंट तो तैयार हो जाती है, पहले मिट्टी को गूंद कर उसको संचय में डाला जाता है, फिर उसको जो ईंट का जो संचय का आकार का जो बना होता है ईंट, उसको सुखाने के लिए रखा जाता है और सूखने के बाद भट्टी में पकाया जाता है, तब वो जो है जो ईंट होती है वो सख्त बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी, तो सब अलग अलग अपने तरीके से लगभग अंदाज़ा लगाते कि 5 मीटर ऊंची, लगभग 15 मीटर, लगभग 50 मीटर, सब बच्चे अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो है अंदाज़ा लगाते हैं। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है बराबर। गणेश और साहिबा दोनों मित्र हैं बराबर, और उनको क्या अच्छा लगता है कि जो ईंट को सुखाने के लिए रखा जाता है वह जो कतार है देखना बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी यहाँ पर देखिए, तस्वीर में आपको दिख रहा है, वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं और वो लोग ईंटों को, क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है, तो ईंट, मिट्टी से ईंट बनने तक का जो पूरा सफ़र है वो उनको पूरा देखने को मिलता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं हैं, उन्हें ध्यान से देखो और सही क्रम यहाँ पर लिखो। आपको देखिए यहाँ पर क, ख, ग और घ, ऐसे 4 चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, जो क का चित्र है उसके अंदर आपको ईंट तैयार है, दूसरे में देखिए ये जो आदमी बैठा है वो क्या कर रहा है, संचा लिए हुए है बराबर, ईंट बनाने का संचा आपको देख रहा है यहाँ पर, यही है। चलिए फिर दूसरे घ में देखिए, घ वाले चित्र में कि एक आदमी जो है वो हाथ में मिट्टी लिए हुए है और वो क्या कर रहा है, शायद मिट्टी जो है वो संचय में डाल रहा है। और यहाँ देखिए, ग वाले चित्र में जो है ज़मीन की खुदाई चल रही है
ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन चारों चित्र में सबसे पहला काम क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है वो आपको सोचना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखेंगे ग जो है वो हमारा पहला चित्र है, ये जो ग चित्र है वो पहले आएगा, यानी कि मिट्टी की खुदाई की जा रही, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ग लिखेंगे, ठीक है। फिर मिट्टी की खुदाई होने के बाद उससे क्या किया जाता है, उस मिट्टी को जो देखिए घ घ चित्र में दिखाया गया है, मिट्टी को गूंद कर उसका बड़ा बड़ा लुआ बनाकर क्या किया जाता है, उस शेप में डाला जाता है। देखिए यहाँ जो ग घ चित्र में जो आदमी कर रहा है काम, वो वही है कि मिट्टी को गूंद कर वो संचय में डाल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घ। फिर क्या होता है, अब देखिए ख वाले चित्र में, अब वो जो उसने क्या किया है, संचय में डाल रखा है मिट्टी को, उसको ज़मीन पर रख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ख। और ये देखिए ज़मीन पर आपको बहुत सारी ईंटें इस तरीके से रखी गई है, ठीक है, और वो किस लिए, धूप में सूखने के लिए, जब ये सूख जाएंगे देखिए तो लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे क वाला जो चित्र है, यहाँ पर ईंट पूरी तैयार हो गई है, तो लास्ट में आता है क, ठीक है। तो सबसे पहला ग घ ख और क, ठीक है बच्चों। चलिए, ज़मीन से खोद कर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से मिट्टी को खोदा जाता है, फिर उसको गूंदा जाता है और उसके बाद जो है वो ईंट बनाते हैं, ठीक है। चलो, क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है, क्या तुमने कभी यह अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ ईंटें कितनी ईंटें हो सकती हैं, बराबर। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टियाँ हैं, हज़ारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है, इस संख्या को 1,00,000 कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो, अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1,00,000 की संख्या कहाँ सुनी है। तो बच्चों आपको सोचना है कि 1,00,000 यह शब्द आपने कहाँ सुना है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप अभी चौथी कक्षा में हो, बराबर, तो जैसे कि एक रकम होती, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ इकाई है, बराबर। अगर इसके पीछे 10 लग जाता है तो अब ये जो है दहाई के स्थान पर आ जाता है, 10 है 1, वो इकाई बोला जाएगा, और जो 1 है वो दहाई के स्थान पर आ जाएगा। अगर इसके पीछे और 10 लगा देते हैं तो ये हो गया अब 1 सैकड़ा के स्थान पे है, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। अगर इसके पीछे 10 और लगा देते हैं तो 1 जो है वो अभी वो और आगे चला गया, यानी कि 1,000 के स्थान पे आ गया, तो ये हमारा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1,000। अब इसके पीछे यहाँ पर 10 और लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, अब ये 10,000 के स्थान पे आ गया, 1,000 से 10,000 पर, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000 और ये 10,000 के स्थान पे, तो ये जो हम बोलेंगे कितना पढ़ा जाएगा, इसको हम 10,000 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब 10 और लगा दो, यानी कि 5 हो गए, बराबर, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब ये जो 1 है वो 10,000 से 1,00,000 के स्थान पे आ गया है, ठीक है। अब ये हम इसको क्या पढ़ेंगे, 1,00,000 पढ़ा जाएगा। तो कब अगर कोई पूछता है कि 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि 5, ठीक है। तो 100,000 से भी ज़्यादा हमें ईंट देखने को मिलती है, बराबर। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त तो होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो है ईंट किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।